सागर और गिरनार की ओर से प्रति मेहता का जय गुरुदास। जिन लोगों के जीवन में रोजगार में एकदम से घाटा हो गया है, उनके पास पैसा टिक नहीं रहा है, यहाँ तक अपने और अपने परिवार का निर्वहन करने में असमर्थ हो गए हैं। आर्थिक चिंताओं ने जिन्हें हतोत्साह और निराश कर दिया है, यहाँ तक कोई रोजी रोजगार करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। अच्छे दिनों के इंतजार में तो है, लेकिन साहसीन और आलस के बस होकर कुछ भी नया काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके जीवन में अब परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का परिवर्तन एक बड़ी खगोलीय घटना के तौर पर देखा जाता है और कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ होने पर महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। ब्रह्मांड के सबसे तेज शिव ग्रह आपके राशि स्वामी स्वयं शुक्र 31 अगस्त 2022 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस राशि परिवर्तन से ही बहुत सी राशियों का भाग्योदय हो सकता है, जिसमें आपकी राशि यानी कि तुला राशि का भी भाग्य बदलने जा रहा है। दोस्तों, मैंने अगस्त के राशिफल में वीडियो में कहा था कि देश में राजनीतिक विपक्षी पक्ष सत्ता पक्ष को परेशान करेंगे, आंदोलन सत्याग्रह होगा। आज दिल्ली कश्मीर बिहार सहित कई राज्यों में ऐसी स्थिति बन रही है। मैंने कहा था सत्ता पक्ष का एक और ब्रह्मास्त्र पूरे भारतीय समाज को एक करेगा, तो तिरंगा यात्रा ने वाकई भी पूरे देश में देशभक्ति की भावना बढ़ाई है। आप चाहे तो पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, शुक्र के राशि परिवर्तन से जहाँ राजनीति सत्ता स्पोर्ट एवं फिल्म उद्योग में बड़े परिवर्तन हो गए, शेयर बाजार सोने की चमक आसमानों को छुएगी, देश में आर्थिक सुधार होगा, तो इस बीच में सबसे बड़ी खगोलीय घटना का महत्वपूर्ण लाभ तुला राशि के जातकों को इसीलिए मिलेगा क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र देह भाव और आकस्मिक धन भाव के लोड होकर वह स्वयं 12वें भाव यानी कि आपके लाभ प्रभाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं शुक्र का प्रभाव कैसा रहेगा आपके जीवन पर। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आपके 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वां भाव यानी कि लाभ का भाव, उपलब्धियों का भाव, मनोपूर्ति का भाव, भाग्योदय के भाव के साथ पुत्र वधु से मिलने वाले लाभ का भाव माना जाता है, जिसके कारण शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। यदि आप तरक्की, पैसा, समस्या एवं स्वास्थ्य से जुड़े कई ऐसे बुद्धों से परेशान थे, तो वहां से निजात मिलने जा रही है। निश्चित तौर पर आपकी संपत्ति में आय में वृद्धि होगी। यदि माता किसी जगह कार्य पर कार्यरत है, तो उन्हें भी धन की प्राप्ति के साथ पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। यदि आपका रुझान कला संगीत की ओर है, वहां पर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वही जो स्वयं कला संगीत या अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी भाग्य के दरवाजे खुले जा रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना ढूंढ रहे नवयुवाओं को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस गोचर में कार्य का स्थान व स्थान परिवर्तन की भी संभावनाएं बन रही है और एक ही जगह पर कार्य क्षेत्र में परिश्रम कर रहे उन्हें भी सैलरी में वृद्धि के रूप में विशेष लाभ प्राप्त होगा। पिछले समय में यदि आप आकस्मिक दुर्घटना शिकार बन रहे थे, आपको परेशान कर रही थी, शिक्षा में सफलता में दिक्कतें हो रही थी, प्रतियोगी एवं प्रमोशन को लेकर भाग्य से दूर होते जा रहे, तो संभवतः शुक्र ग्रह इस वक्त आपको बहुत कुछ दे सकता है। विशेष तौर पर जो तुला राशि के जातक किसी से प्यार करते हैं, उन्हें शादी करना चाहते हैं, उन्हें भी विशेष अवसर उपलब्ध होंगे। शादी की संभावनाएं बन रही है, तो प्रेम के लिए तरस रहे या फिर एक तरफा प्यार कर रहे, उन्हें भी प्यार की बड़ी सौगात प्राप्त हो सकती है। जहां एक ओर संतान के लिए तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, तो दूसरी ओर जो शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे कि महिलाओं से संबंधित कार्य, विलासितापूर्ण वस्तुएं, गाड़ी, वाहन व्यवहार, ट्रांसपोर्ट, सजावटी वस्तुएं, मिठाइयों संबंधित दुकान, रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ या फिर सोना चांदी हीरा जौहरी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो आप बड़ा लाभ एवं परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस वक्त आनंद भानंद में कई प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकते हैं। कोई विदेश से संबंधित बड़ी डील आपको लाभान्वित कर सकती है, तो इस अवधि के दौरान विशेष भागीदारी की बनने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। यदि आप अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं, तो आपको लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि पैतृक संपत्ति में से आपको उचित हिस्सा मिलने से प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। आर्थिक विषमता दूर होने से धन आगमन की स्थिति बनेगी। पुलिस केस, मुकदमे, संपत्ति विवाद आदि में भी आप विजेता के तौर पर उभर सकते हैं। यहाँ तक पिछले समय में जिस कार्यों को लेकर आपने जान लगा दी है, वह लंबित कार्य भी अब पूरे होने के कगार पर आ गए हैं, यानी कि अब व्यापार व्यवसाय में गतिशीलता व क्रियाशीलता बनी रहेगी। फिर से आपका व्यापार तेज गति से उभरेगा। यहां तक सरकार में दी गई आवेदन, चाहे प्रोजेक्ट मंजूरी या फिर किसी भी तरह के हो, वहां पर आप जल्दी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी कंपनियों में स्थित जातक भी बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इस अवधि में शेयर बाजार, सट्टे, जुए, कसिनो आदि से भी लाभ हो सकता है, किंतु शनि की स्थिति को अवश्य ही देखना रहेगा।
जो अपने प्रिय से दूर है उन्हें भी इस वक्त नजदीक आने का अवसर मिलेगा तो दूर शहर, राज्य या फिर विदेश में स्थित लोगों की भी कोई बड़ी इच्छा, आकांक्षा या महत्वाकांक्षा पूर्ण हो सकती है, क्योंकि शुक्र आयात निर्यात एवं विदेशों से जुड़े मामलों में लाभ देता है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि इस वक्त आप लाभ में रह सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि ज्योतिष के कई महायोग है जो जातक को सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। फिर भी 24 सितंबर से पहले अपने लेन देन में उग्र बर्ताव करने से बचें। अपने इर्द गिर्द के लोगों से कड़वे बातें ना करें और नए अनुबंध एवं व्यवहारों को सोच समझकर हस्ताक्षर करें, वरना कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। जय गुरुदत्त, जय गिन।